वेलकम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल पढ़ेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, स्टोरी है, और इसे पढ़ने पर आपको मज़ा भी आएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं लेसन 6 द फेस ऑन द वॉल। द ट्रूथ इज नॉट ओनली स्ट्रेंजर देन फिक्शन बट ऑल्सो मोर इंटरेस्टिंग। React to this statement. Truth, सच्चाई जो है वो फिक्शन से, कल्पना से भी ज़्यादा स्ट्रेंज होती है, अजीब होती है, और इस बात पर और साथ ही ये ज़्यादा दिलचस्प भी होती है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखकर हमें इस कहानी को पढ़ना है। तो आइए हम इस कहानी को पढ़ते हैं। I still tingle with mortification over an experience at Dabney's last evening. लेसन में बहुत से हार्ड वर्ड्स हैं और इसकी ग्लॉसरी जो है मैं लेसन के एंड में आपको अलग से प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आपको जितने भी हार्ड वर्ड्स लगते हैं आप उन्हें पढ़ सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। I still tingle with mortification. Tingle, stinging sensation, सिहरन। Mortification, शेप, शर्म, लज्जा। डबनीस ये एक दुकान का नाम है। तो नरेटर जो कहानी सुना रहे हैं हम उन्हें क्या कहेंगे? नरेटर। तो नरेटर जो है वो लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को कहाँ गए? डबनीस पर वहाँ बैठे थे, और वहाँ की जब घटना उनको याद आती है, उस पर जो उनके साथ में जो एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ, तो वो उसे याद करके शर्म से सिहर जाते हैं। द ओनली सेटिस्फेक्शन बींग दैट अदर्स टिंगल विथ मी। द ओनली सेटिस्फेक्शन, केवल एक ही संतुष्टि है कि उनके साथ में दूसरे जो लोग थे वो भी सिहर रहे थे, वे भी कांप रहे थे। वी वे टॉकिंग ऑफ द सुपर नेचुरल दैट अनप्रॉफिटेबल बट एंडलेसली एल्यूरिंग थी। जब ये डबनीज की शॉप में थे तो वहाँ पर वी वर टॉकिंग ऑफ सुपरनेचुरल, सुपरनेचुरल घोस्ट, भूत प्रेत। तो जब सब लोग वहाँ बैठे थे तो सुपरनेचुरल की, भूत प्रेत की बात कर रहे थे, और नरेटर के अनुसार ये एक अनप्रॉफिटेबल, बिना लाभ देने वाली, एंडलेसली अंतहीन, एल्यूरिंग इंटरेस्टिंग, दिलचस्प थीम है, विषय है। तो सुपरनेचुरल का ये जो विषय है ये हमें कोई लाभ नहीं देता, परंतु फिर भी सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है, दिलचस्प होता है। एंड मोस्ट ऑफ अस हैड साइटेड एन इंस्टेंस, मोस्ट ऑफ अस, हम में से सभी ने, बहुत से लोगों ने अपना एक इंस्टेंस, एक उदाहरण जो है वो साइट किया था, सामने रखा था, विदाउट हाउएवर प्रोड्यूसिंग मच इफेक्ट। तो सभी लोग भूत प्रेत की बात कर रहे थे, सुपरनेचुरल की बात कर रहे थे, परंतु ज़्यादा इफेक्ट, ज़्यादा प्रभाव इस बैठक में नहीं आ रहा था। अमंग द स्ट्रेंजर्स टू मी वॉज अ लिटिल मैन विथ एन एनेक्शियस वाइट फेस। जो पूरे जो ग्रुप बैठा था उनमें एक जो था उनके लिए अजनबी था, और ये अजनबी व्यक्ति कैसा था? लिटिल मैन, थोड़ा छोटा सा था, विथ एन एनेक्शियस वाइट फेस, और इसका चेहरा सफ़ेद था, एनेक्शियस, चिंतित दिखाई दे रहा था। होम रिटसन वाइट हैड ब्रॉट, और ये क्योंकि अजनबी था तो किसी ने किसी के साथ आया होगा, तो रिटसन वाइट जो था इनके ग्रुप में उसके साथ में वो आया था। एंड ही वॉच्ड ईच स्पीकर विद द क्लोजेस्ट अटेंशन बट सेड नथिंग। और वे सभी स्पीकर को, जो बोलने वाले थे, उन सबको क्लोजेस्ट अटेंशन, पूरे ध्यान से सुन रहा था, बट सेड नथिंग, परंतु वो कुछ कह नहीं रहा था। देन डबनी विशिंग टू इंक्लूड हिम इन द टॉक टर्न टू हिम। अब डबनी जो था, जो दुकान का जो मालिक था, विशिंग टू इंक्लूड हिम इन द टॉक, वो उसे इस टॉक में, इस बातचीत में शामिल करना चाहता था। टर्न टू हिम, इसलिए वो उसकी ओर मुड़ा। एंड आस्ट, और पूछा, इफ़ ही हैड
नो एक्सपीरियंस टू रिलेट, क्या उसके पास इस तरह का कोई एक्सपीरियंस, कोई अनुभव नहीं है जिसे वो रिलेट कर सके, बता सके? नो स्टोरी दैट कंटेन एन इनएक्सप्लिकेबल एलिमेंट, क्या उसके पास में कोई ऐसी स्टोरी नहीं है जो जिसमें कि इनएक्सप्लिकेबल दैट कांट बी एक्सप्लेन, रहस्यमयी, जिसे कुछ हम समझा नहीं सकते? तो उसने, डाबनी ने इस अजनबी व्यक्ति से पूछा कि क्या उसके पास में कोई रहस्यमयी एलिमेंट वाली, तत्व वाली कोई कहानी नहीं है? ही थॉट अ मोमेंट, उसने एक क्षण सोचा। वेल ही सेड, नॉट अ स्टोरी इन द ऑर्डिनरी सेंस ऑफ द वर्ड, उसने कहा नहीं, मेरे पास एक सामान्य अर्थों में जो कहा जाए इस तरह से कोई कहानी नहीं है। नथिंग दैट इज फ्रॉम हियर से, हियर से सुनी सुनाई, गॉसिप, तो सुनी सुनाई मेरे पास में कोई भी कहानी नहीं है। लाइक मोस्ट ऑफ योर एग्जाम्पल्स, जैसे कि आपके सबके जो अनुभव हैं अभी आपने सुनाए, इस तरह की मेरे पास में कोई घटना नहीं है। ट्रूथ आई ऑलवेज होल्ड इज नॉट ओनली वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, बट ऑल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग। ट्रूथ, सच्चाई, उसने कहा कि मैं मानता हूँ कि सच्चाई जो है वो वास्टली स्ट्रेंजर देन फिक्शन, फिक्शन से, कल्पना से जो सच्चाई जो है वो ज़्यादा स्ट्रेंज होती है, ज़्यादा अजीब होती है। बट ऑल्सो वास्टली मोर इंटरेस्टिंग, और साथ ही ये बहुत अधिक इंटरेस्टिंग, दिलचस्प भी होती है। आई कुड टेल यू एन अकरेंस विच हैपन टू मी पर्सनली, मैं एक अकरेंस, एक इवेंट, एक घटना आपको बता सकता हूँ जो पर्सनली मेरे साथ में हुई, एंड विच ऑडली इनफ कंप्लीटेड इट्स सेल्फ ओनली दिस आफ्टरनून। ऑडली इनफ, बड़ी अजीब सी बात है कि ये घटना जो है आज की दोपहर ही खत्म हुई है। अब सुनिए, आपके सामने इस तरह से किसी घटना के बारे में इतनी बोला जाए और सभी की जो उत्सुकता जो है इस स्टोरी को जानने के लिए बढ़ गई। वी बेग्ड हिम टू बिगिन, तो सभी ने उनसे प्रार्थना की कि वे कहानी सुनाएं। तो अब असली कहानी अब शुरू होगी, अब हम इसे आगे पढ़ेंगे। तो नरेटर ने ये कहानी सुनाना शुरू की। अ ईयर और टू एगो ही सेड, आई वॉज इन रूम्स इन ग्रेट आमन स्ट्रीट। ग्रेट आमन स्ट्रीट नाम के एक जगह है, एक गली है, और वहाँ पर वो रूम्स लेकर रहता था। एन ओल्ड हाउस ऑन द हॉलबोर्न साइट, ये एक पुराना मकान था हॉलबोर्न साइट पर। द बेडरूम वॉल्स हैड बीन डिस्टेम्पर्ड बाय अ प्रीवियस टेनेंट। प्रीवियस टेनेंट, टेनेंट किराएदार, प्रीवियस पिछला, तो जो पिछला किराएदार जो था उसने बेडरूम की जो दीवारें जो थी वहाँ पे डिस्टेम्पर कराया था, कलर कराया था। बट द प्लेस वॉज डैम्प, परंतु ये जो जगह जो थी, जो ये रूम्स जो थे, ये डैम्प, गीले थे। एंड ग्रेट पैचेस ऑफ डिसकलरेशन हैड ब्रोकन आउट, ग्रेट पैचेस, बहुत बड़े बड़े धब्बे जो हैं डिसकलरेशन के, रंग उड़ जाने के, वो कमरे में सब जगह निकल आए थे। वन ऑफ दीज एज इंडीड ऑफन हैपन्स वॉज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस। वन ऑफ दीज, इनमें से एक जो चेहरा जो था, जैसे कि अक्सर होता है, वॉज एग्जैक्टली लाइक अ ह्यूमन फेस, वो करीब बिल्कुल एक किसी चेहरे के समान था। सामने चित्र दिया है, आप इसमें देख सकते हैं, सामने दीवार पर एक चित्र बना हुआ है। तो नरेटर इसी की बात कर रहे हैं कि जो ये धब्बा जो था ये किसी चेहरे के, बिल्कुल किसी चेहरे के, मनुष्य के चेहरे के जैसा दिखाई देता था। बट मोर फेथफुली एंड स्टार्टिंगली देन इज कस्टमरी, कस्टमरी जैसा कि हमेशा होता है, उससे ज़्यादा स्टार्टिंगली, अजीब, मतलब बहुत ज़्यादा चकित करने वाला, और बहुत ज़्यादा, जिस मतलब इसे हम मनुष्य का चेहरा मान सकें,
इस तरह का ये चेहरा दिखता था। लाइंग इन बेड इन द मॉर्निंग पुटिंग ऑफ गेटिंग अप। अब नरेटर का बिस्तर सामने ही था, तो लाइंग इन बेड बिस्तर पे पड़े हुए और मॉर्निंग में सुबह पुटिंग ऑफ टालना, उठने को वो जब टालते थे। हम सब जब उठते हैं, सोकर उठते हैं, तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट हम जो है वो उठने के लिए टाइम लेते हैं। तो उस समय आई यूज टू वॉच इट एंड वॉच इट, उस दौरान नरेटर इस चेहरे को देखते थे और देखते थे। एंड ग्रेजुअली आई केम टू थिंक ऑफ इट एज रियल एज माई फेलो लॉजर। एंड ग्रेजुअली धीरे धीरे नरेटर जो है वो इसे रियल वास्तविक मानने लगे एज माई फेलो लॉजर, जैसे कि वो उनका फेलो लॉजर साथी रहने वाला हो। द ऑड थिंग वॉज दैट वाइल द पैचेस ऑन द वॉल्स ग्रू लार्जर। अब ऑड थिंग जो अजीब चीज़ थी वो क्या थी कि जो पैचेस जो दीवार पे थे वो लार्जर बड़े हो रहे थे। एंड चेंज देयर कॉन्टर्स आउटलाइन। तो जो दूसरे जो चेहरे थे वो बड़े हो रहे थे, या दूसरे जो पैचेस थे धब्बे जो थे वो बड़े हो रहे थे, या उनकी आउटलाइंस बदल रही थी। दिस नेवर डिड, ये जो धब्बा जो है ये बिल्कुल भी बदलता नहीं था। इट रिमेन आइडेंटिकली द सेम, और ये हमेशा एक जैसा ही रहता था। वाइल देयर आई हैड अ वेरी बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा विथ कॉम्प्लिकेशंस। जब नरेटर इस कमरे में थे, आई हैड अ वेरी बैड अटैक ऑफ इन्फ्लुएंजा, नरेटर को एक बहुत बुरा इन्फ्लुएंजा फ्लू का अटैक हुआ। विथ कॉम्प्लिकेशन, साथ में कुछ और परेशानियाँ भी थी। एंड ऑल डे लॉन्ग आई हैड नथिंग टू डू बट रीड और मेडिटेट। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन नरेटर बिस्तर पे पड़े रहते थे और उनके पास में सिवाय पढ़ने के या मेडिटेट करने, ध्यान करने के और कुछ नहीं था। एंड इट वॉज देन दैट दिस फेस बिगिन टू गेट अ फर्मर होल्ड ऑफ मी। एंड इट वॉज देन, और तब ये जो चेहरा था इसने नरेटर के ऊपर एक फर्म होल्ड, एक मजबूत पकड़ बना ली। इट ग्रू मोर एंड मोर रियल एंड रिमार्केबल, ये चेहरा और ज़्यादा रियल, और ज़्यादा वास्तविक और रिमार्केबल, उल्लेखनीय हो गया। आई मे से दैट इट डोमिनेटेड माई थाट्स डे एंड नाइट। अब नरेटर का कहना है कि वो कह सकते थे कि ये चेहरा जो है उनके थाट्स, उनके विचारों पर डे नाइट, रात दिन छाया हुआ था। यानी रात दिन उठते जागते उन्हें ये चेहरा ही दिखाई देता था। देयर वॉज अ क्यूरियस टर्न टू द नोज, जो नाक जो थी उसमें एक अजीब सा टर्न था। एंड द स्लांट ऑफ द फोरहेड वॉज यूनिक, और जो फोरहेड, माथे का जो स्लांट है, तीखापन जो है वो यूनिक था, अलग ही था। इट वॉज इन फैक्ट फुल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ये जो चेहरा जो था ये इंडिविजुअलिटी खूबियों से भरपूर था। द फेस ऑफ अ मैन अपार्ट, हम कह सकते हैं कि इस चेहरे का मालिक जो था वो एक अलग ही व्यक्ति था। अ मैन अपार्ट, अ मैन इन अ थाउजेंड, इस चेहरे को देखकर कहा जा सकता था कि ये जो व्यक्ति है इसका चेहरा हजारों में एक है। अब इसके आगे की स्टोरी जो है वो हम अगले लेक्चर में कल सुनेंगे, पढ़ेंगे, है ना। तो तब तक आप इस कहानी को सुनिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से देखिए, फिर से सुनिए, और अगर कोई परेशानी आती है समझने में तो मुझे पूछिए। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसे पढ़ने में मज़ा आएगा।